हनुमान जी बाबा का मंदिर। एक चीज चेक करता हूँ, देखो इसके लैपटॉप में मेरा चैनल सब्सक्राइब हो रखा है कि नहीं। कोई नहीं मिला लेने के लिए, दोनों चैनल सब्सक्राइब होने चाहिए, समझ रहा? ठीक है, भले ही देख मत यार, मार दा स्प्लिट कर रहा हूँ भाई। अरे किस गाइस, ट्रिप का स्प्लिट ऐसे होता है, देख लो, सबके कॉन्टेक्ट लीक होंगे। पांच मिनट तो हो चुके हैं और यही चीज अपन ऐसे कर सकते थे, टाइम पास तो है। मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है क्या है। तू नया ग्रुप बना रहे भाई, मैं कर देता हूं, कर रहा हूं दूसरी का सब्सक्राइबर हटा रहा है। अरे नहीं यार, अभी स्टार्ट हो जाता है टाइमर, वापस से आ जाती। नेट की जरूरत है क्या इसमें? नेट बंद कर, नहीं आएगा, खत्म कर। Six and a half hours later. Bill लगाते हुए people's children's. अरे बड़ा को काम देख लेंगे। नहीं बड़ा को कहीं देख लेंगे। मैं कर दूँगा drink करने बैठने का। अरे छोड़ ना जी, दो दे दो यार, तीन रूपल बस बस बड़ा पावर कर दे हम तीनों पर। अभी हो रहा है, ये हो रहा है, नमाज अभी अपने अपने पैसे दे देना इधर, इसको देखो तुमसे ही कह रहा हूँ, अगर ब्लॉग देख रहे हो तो कसम से। मैं बोल रहा था कि तुम बता देना स्प्लिट करके, मैं कर दूंगा पे, बट नहीं बोलते तू या वरना ज्यादा बताएंगे, और मेरे को बुलाया जबरदस्ती उन्होंने। ठीक है भाई, लिटरली 45 मिनट तक उनका हिसाब चला। पहले तो ऐप ढूंढे स्प्लिट वाइज का, और उस ऐप को करे जा रहे हैं भाई, करे जा रहे हैं, किसी से नहीं हो रहा, उल्टा सीधा किसी ने यूज नहीं लिया। और मैं इतनी देर से बोल रहा था भाई मैथ कर लो, छोटी सी कैलकुलेशन है, सब कर देंगे, नहीं स्प्लिट वाइज यूज करेंगे। और भाई लाकरी में जाके आधे घंटा बर्बाद करने के बाद मैं स्प्लिट वाइज से किया है, इनको भी पे करना है मुझे सबका इंडिविजुअली जिन्होंने जितना किया। तो आज बाहर घूमने गए थे, दैट्स वाई लीड कोड की स्ट्रीक अभी कंप्लीट किया है, 32 डे, आज 21 जैन, एंड कल होगा अपने राम मंदिर का उद्घाटन, लेट्स गो, मतलब मूर्ति स्थापन। अच्छा दिन है, कुछ अगर उधर की स्ट्रीम वगैरह होगी तो देखेंगे यूट्यूब पे, बाकी अब इधर से ही जय हो कर सकते हैं भगवान की। चलो बढ़िया, मैं जा रहा हूँ सोने की, नींद आ रही है मेरे को, लेट्स गो। हाँ, उससे पहले मेरे को एक काम और करना है, वो करना है कि वो क्या बोलते हैं स्प्लिट वाइज से जो पेमेंट करना है ट्रिप का, वो पेमेंट आई गेस ये ट्रिप कितने की हुई, साउथ गोवा की थी, तो मोस्ट ऑफ द तो हमारा जाने आने का ही था, तो आई गेस 700-800 की हुई थी टोटल ट्रिप, पर पर्सन 6 लोग गए थे, तो ठीक है। तो सो इस ट्रिप के उतने चार्जेस हुए, इतने ज़्यादा नहीं हुए बट ठीक है, 6 लोग गए थे हम टोटल, तो टोटल ये थे चार्जेस 781। मैं इनको स्प्लिट वाइज एक ही कर देता है पे, और जो भी कर इस तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ऐसा ही होता है हमारा ट्रिप तो। चलो बढ़िया है, इनका भी डन और फोटो जो ऑलमोस्ट अपलोड हो चुके हैं, बस वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवन, तो जय श्री राम। सबसे पहले सुबह सुबह भी बज चुके हैं 10:30, एंड अभी सुबह सुबह दो मेरे चार ऑर्डर थे, दो चार ऑर्डर हैं, तीन ऑर्डर इसमें, दो ऑर्डर उसमें, और क्या ऑर्डर क्या थे,
कुछ सॉक्स थे वो इसमें, और बॉटल, बेडशीट एंड क्या था, और हाँ एक सेकंड गोरिल्ला ट्राइपॉड, तो ये चीज़ें इसमें थी। तो इनको करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करते हैं, उसमें सॉक्स है, मैं पहले ही बता देता हूँ, और एक जोड़ी सॉक्स नहीं है, 7-8 जोड़ी सॉक्स है। क्योंकि हर बार क्या होता है कि जनरली जब भी मैं सॉक्स पर क्यों ना इतने ही मंगा लिया जाए ताकि जरूरत ना पड़े बार बार धोने की, एक साथ धो लो सबको। A few moments later. तो, दिख रहा है आपको? Okay, all set. तो अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ नहाने, एक मिनट, ऑल सेट नहीं है अभी, इनको रख देता हूँ उधर ही दस। ओके, ऑल सेट, जय श्री राम। 22 जैन है आज, अभी जा रहा हूँ मैं नहाने, शाम को मंदिर जाएंगे, आरती होगी उधर, एंड अभी ना के इसके बाद में जो डेली का रूटीन होता है, प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करना, वो सॉल्व करेंगे। पीसी कर लेते हैं ऑन, खाली नेक्स्ट शू। जय श्री राम। अच्छा लग रहा है ना इस सेटअप में, फोन जो है वो लगाया। Three days later. Hi everyone, तो अभी जस्ट मैं एक घंटे पहले उठा था क्योंकि आज डायरेक्ट लाइव होती है, आज है वेडनेसडे एंड 24 जैन, और मैं 2-3 दिन से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज एक तो मेरे कोर्सेज के रिवीजन वगैरह चल रहे थे, क्योंकि कोर्सेज का मैं पढ़ा नहीं था ढंग से, तो जितने भी कोर्सेज थे वो ज़्यादा हो जाते अगर अभी रिवीजन नहीं करता, तो एक बार ढंग से पढ़ा उनको, मोस्ट ऑफ द कवर हो गए हैं, काफ़ी कवर करना है, जैसे ML अच्छे से पढ़ना है, और आज बस ML की लैब है। एंड रही बात कि कर क्या रहा था, तो देखो एक तो कोर्सेज का रिवीजन, दूसरा मेरे वेब डेवलपमेंट की सीनरी जो उनको स्क्रैच से, क्योंकि अभी समर इंटर्न के लिए मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ अपने जितने भी कंसेप्ट हैं वेब डेवलपमेंट के, तो मैं शुरू से कर रहा हूँ। शुरू से बोला था HTML CSS रिवीजन नहीं किया, बट जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट एक ट्यूटोरियल्स हैं उनको देखे जा रहा हूँ 2x पे, तो एक बार सारी कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, छोटी से छोटी चीज़ें तो किसी भी चीज़ को अटके ना। उसके बाद में मेरे को नोड का देखना है, रिएक्ट का देखना है, और डाटा बेसिस के थोड़े बहुत देखने हैं, एंड देन उसके बाद में मेरे को सीधा बैकएंड पे स्विच करना है। बैकएंड पे स्विच करने के लिए बस मेरे को ऊपर से देखना है जितना मैं पढ़ा था। ओके, तो अभी तो और DSA अपना चल रहा है साइड बाई साइड, डेली प्रॉब्लम चल ही रहे हैं, और ब्लेंड 75 थोड़ा छूट गया था, बट मैं आज से वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ, डी फाइनली पूछ लिया जाता है। तो आज का डेली प्रॉब्लम थोड़ा दिख रहा होगा आपको, कुछ था घुमा के दिखा देता हूँ एक मिनट, ये आज अपना 3 तो स्ट्रीक मेंटेन। आज का क्वेश्चन क्या था कि जनरली बाइनरी ट्री में तो मैं जो ऑड आती पैलिंड्रोम है उनको दिखाना था कि कितने पैलिंड्रोम्स हैं, सपोज कि ये बाइनरी स्ट्रिंग है तो इसमें कितने पैलिंड्रोम बन सकते हैं, तो देखो 3 रूट बन रहे हैं इसमें, एक ये रूट, एक ये रूट, एक ये रूट। तो अब इस रूट को और इस रूट को तुम पैलिंड्रोम बना सकते हो, क्योंकि अगर तुम इनको रिफॉर्मेट करोगे तो ये बन जाएगा 3-2-3 और ये बन जाएगा 1-2-1, तो 2 हो गए काउंट, और सेम इसमें, इसमें एक ही होगा क्योंकि तुम किसको कर सकते हो, 2-1-1 को कर सकते हो 1-2-1 में, बाकी देखो ये इधर भी दिखा हुआ रखा हुआ इन्होंने, हाँ ये रहा 1-2-1। ओके दैट्स इट, मैं इसको जावास्क्रिप्ट में किया क्योंकि मैं अभी जावास्क्रिप्ट रिवीजन भी चल रहा था, तो साथ के साथ ही क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के जावास्क्रिप्ट में किया। ठीक है, अभी मैं इसको C++ में भी करूँगा, उसका भी सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो चलो ठीक है। A few moments later. मैं बाय द वे सेम ही लॉजिक था, तो C++ में भी हो गया। C++ में क्या किया, वेक्टर बनाया, वेक्टर के अंदर एक पाथ का बनाया और जीरो कर दिया, मतलब 10 साइज का वेक्टर बनाया और जीरो सब पे इनिशियलाइज कर दिया इनिशियल फेज में, ऑल पाथ को कॉल करवाया, ये अपना नया फंक्शन है रूट पाथ एंड आंस वोटर, बस क्या आंस अपना ये जिसमें अपना काउंट स्टोर करेंगे जनरली, कॉल करवाया, अगर रूट नल पॉइंटर हुआ तो रिटर्न कर देना सीधा सीधा वैल्यू को प्लस कर देना। अब चेक करना है कि जब तक नल पॉइंटर ना हो तब तक ऑड काउंट को करना है। सिंपली लॉजिक क्या है कि अगर सपोज कि हर पाथ में अगर सिंपल एक ही ऑड हुई, ठीक है, सपोज कि जैसे 1-2-1 में अगर एक ही ऑड है 2, तो फिर वो क्या हुआ, वो पैलिंड्रोम है, अगर वो नहीं हुआ तो नहीं है। सम्बंध क्या इंडायरेक्टली कर क्या रहे हैं, तो देखो ये इफ कंडीशन लगाई है, और जैसे ये इफ कंडीशन तो ऑड काउंट प्लस प्लस होगा, और ये इफ कंडीशन के बाहर में पूरे फोर लूप के बाद में अपन चेक करेंगे कि अगर ऑड काउंट लेस देन 1 है तो आंस प्लस प्लस, वॉट इट, अगर ऑड काउंट लेस देन 1 है
या फिर इक्वल टू वन है तो वो ऑड काउंट, क्योंकि या तो जीरो होगा या वन होगा तो भी चलेगा और जीरो हुआ तो भी चलेगा, ज़्यादा हुए तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा फिर, ठीक है। एल्स किया अब तुमने, एल्स में वो वापस रिवर्स कराते गए बस, दैट्स इट। और इसको अपन बिट सेट से भी कर सकते हैं, बस इतना करना होगा इस वेक्टर की जगह बिट सेट बना लो तो फिर सेट तुम्हारा क्या करेगा, सपोज मैंने 10 का बनाया और 10 साइज का बिट सेट बनाया तो वो उस इनिशियल फेज में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टोर कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, जब भी वो ऑड आएगा ना तो मैं कुछ ना कुछ को विट फ्लिप कर दूंगा तो वो वन आ जाएगा। इस तरीके से अपन इस तरीके से भी पता कर सकते हैं, बनाया जाएगा 0-1 में खेलेगा और उससे सबसे रिटर्न करा सकते हैं। इसका भी मैं कोड लिख सकता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और देख रहा था इसका कोड मैंने तो। चलो ओके, अभी देखो 11:35 हो चुके हैं, अभी बस मेरे को, मैं अभी जेबी का क्वेश्चन सोल्व करूँगा, देन उसके बाद नहाने के बाद में खाना खाऊँगा एंड उसके बाद में ये अपना जीएफजी का आज क्या है, ये ट्री, हाँ ये भी मीडियम क्वेश्चन है, ट्री के ऊपर है, इसे भी सॉल्व करते हैं एंड फिर खाना खाने के बाद मैं लैब जाऊँगा। एमएल का आज कुछ अच्छा होगा तो मजा आएगा उसमें भी। लेट्स गो। जावास्क्रिप्ट रिवीजन कंटिन्यूस, ऑलमोस्ट 10 लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं, 2x पे जल्दी जल्दी देख के कि क्या क्या है, जिससे कंसेप्ट भी काफ़ी रिवाइज हुए हैं जो ब्लर हो रखे थे। लेट्स गो, अभी 2 बजे लैब जाऊँगा, एमएल की लैब है आज, लैब अब देखते कैसे हार्ड होती है फिर कैसे, पहले 1 घंटे का लेक्चर है फिर लैब है। चलो ये लैब 1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन था वो भी डन, बट बस मैं चेक करने आ जाए जल्दी से। तो आज एमएल के लैब कंप्लीट, 2 क्वेश्चन थे, एक परसेप्ट्रॉन के ऊपर, एक ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर। फर्स्ट वाला ग्रेडियंट वो ईजी था, वो मोस्ट ऑफ द सबसे हो गया और वो कंपलसरी भी था। दूसरा क्वेश्चन जो था क्या बोलते हैं परसेप्ट्रॉन का, वो बोनस कर दिया था अपने दोनों डन। तो मैं निकल रहा हूँ अभी, लैब में काफ़ी लोग हैं बचे हुए, बट मेरा हो गया तो मैं निकल रहा हूँ। इधर का व्यू दिखाता हूँ आपको, देखो सी ट्रॉन लग नहीं रहा था, हो गया क्योंकि पहले हम ChatGPT सेकंड में लग गए एंड देन उसके बाद में लेट्स गो। जस्ट लैब से आगे स्नैप्स कंप्लीट किया एंड मैं अपने गेटअप की रेपो पे जो आज लैब का लैब वर्क था वो डिप्लॉय भी कर चुका हूँ, डिप्लॉय बोलो चाहे कमिट बोलो। ओके कैसे, मैं गेटअप पे भी कमिट कर चुका हूँ, जनरली मेरा यही है हर कोर्स का, जो भी कोडिंग कोर्सेज हैं अभी तक के, आई गेस थर्ड सेम से मैं यही कर रहा हूँ, हर कोर्स के मैं गेटअप रिपो बनाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कमिट्स करना। और ये हर लैब का जैसे मतलब आज ये देखो, ये कल परसों पुश कर दिया था और लैब 1 का, लैब 2 का आज कर दिया, जस्ट कम्प्लीट करके आया हूँ एंड पुश कर दिया, इसके दोनों बोनस हैं, मेन क्वेश्चन दोनों हो गए थे, दोनों का पुश कर दिया, टूर भी रह चुका है, लैब 1 ए बी ये बोनस था एंड लॉजिक वगैरह जो भी मैं था एक्सप्लोर करना था कंप्यूटर, मैं डायरेक्ट क्या कर रखा हूँ इससे कर रखा हूँ गेटअप से, लिंक तो मैं डायरेक्ट करके पुश कर देता हूँ, मैं पहले से कनेक्ट कर रखा हूँ। Cool.